तो भाई आज वो मैडम एक भाभी लगती हूँ फोन किए थे। हाँ सही मजाक नहीं कर रही, वो फोन किए थे कहे कि कपड़ा ले जाओ दे आओ हमारे यहाँ। तो क्या कर जाए, क्या है जरूरी है भाई, बारिश में कपड़ा भीजे कि रहे। तो वो भाभी जी बोली जरूरी है लेके आओ भाई कपड़ा, अब क्या करें हम जाए होके आए जाए। बोले कि रात में यहाँ रुक जाना अगर ज्यादा बारिश होगी तो। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ कपड़ा देने, और भाई हो सकता है रात में रुक जाऊंगा क्योंकि खाना पीना वो बना के रखे हैं। क्या हुआ क्या हुआ ऐसा क्या होता है भाई, इस तरह मौसम रहेगा तो आदमी बुलाएगा ही, क्योंकि आएगा भाई आओ पर पकवान बनेगा, समोसा चाय जो भी होगा वो मिलेगा खाने के लिए। कैसे खास बनाई, कैसे खास बनाई होता है। तो भाई अभी यहाँ जा रहे हैं कपड़ा लेके आए, ठीक है सुबह आएंगे अपना साथ आदमी अभी बारिश में कहाँ जाएंगे वहाँ, बारिश में वहाँ जरूरी आ जाए यार। ऐसा क्या अगर वो कस्टमर है घर में बुला रही है तो जाना ही पड़ेगा भाई, इतना खास उनका मेन जरूरत थी देखा, बारिश में निकल रहे हैं हम सबका जरूरत पड़ा था, हम लोग मजबूरी देखा जाता है। अब कभी कभी उसको भी जरूरत पड़ जाती है यार, मतलब कि सामान को तो कहा भाई हम चले जाएंगे लेके आ जाएंगे अभी जाए देते ना। प्रिंस कपड़ा पहना बेटा ला बेटा कपड़ा लेके आओ, जाते कपड़ा दिए भाभी जी बुलाए हैं एक जगह। भाई अभी कपड़ा ऊपर पहन लिया हूँ, बस थोड़ा नीचे अच्छे से पहनना पड़ेगा क्योंकि कैसे मंगू भी क्या पेट में। तो ये हम क्या करने जा रहे हैं, बस मतलब कपड़ा दिए जा रहे हैं ना, तो जा रहे हैं भाई। बेटा लाओ गाड़ी वाड़ी निकाल यार, लाओ कपड़ा कपड़ा लेके आओ, चलो चलते भाई तैयार होते हैं, लाओ कपड़ा कपड़ा पहनते हैं चलते हैं जाते हैं ना। दिमाग ना खराब करो, बता नहीं सर्दी गर्मी लगे तो उनका हुए तो वाला। आज उनके निकासन है, निकासन तो आज बरस में निकासन है, इतना निकासन मैंने एक दिन दो दिन पहले मंगाए थे कपड़ा लिए थे उसके, मतलब उनके अभी बाहर रहते हैं उद्याना उद्याना में। अबे तो हम बुलाते हैं अरे भाई जिसके घर में कोई नहीं रहेगा तो वहाँ तो जाना ही पड़ेगा कपड़ा लेकर, और पहले फेरी मारते थे तभी फोन किया था कि भैया आज चले आओ कपड़ा लेके चले जाओ, तो आज छुट्टी भी है मतलब घर में कहूँ दूर दूर तक आदमी ना रही है, बहुत दूर दूर तक हमारा दूर दूर तक नहीं रहा था। तुम्हारे घर में बहुत बड़े बड़े आदमी थे, प्रिंस था, प्रिंस तो अभी बड़ा हुआ। तो भाई चलते हैं कपड़ा वपड़ा पहनते हैं जाते हैं, भाभी जी को कपड़ा दे के आते हैं और बोला है कि आज यहाँ रुकना पड़ेगा खाना पीना खाने के लिए, तो चलते हैं। पकौड़ी उकड़ी बनी होगी आराम से चाँपेंगे वहीं पर, बफा सिस्टम लगा होगा तो क्या क्या मिलेगा क्या मिलेगा तो वो बोल रहे थे कि मतलब आज यहाँ रुकना है, आज थोड़ा बफा सिस्टम है। बफा सिस्टम मतलब दाल चावल मिले आज वहाँ, थोड़ा अच्छा खाना मिलेगा भाई, पूरी मिलेगा, नुक्ती मिलेगा, काला जाम मिलेगा। तो भाई चलते हैं अभी फटाफट रेडी हो जाते हैं। तो जा रहे हैं भाई, हम जा रहे हैं जाए माँ पापा कहूँ जा रहा हूँ कपड़ा वाला की कहा भाई अब जा तहाँ दिमाग मत आउट करे है और देखी कहूँ गए देखे कहते हैं अमन बताया ना वो उसको टाफियों भी थे खाने का कहा नहीं बताया ना वो मतलब वो भाभी जी बोली थी आ जाओ कपड़ा दे जाओ ना, अभी जाके दुकान से कपड़ा वपड़ा ले लेंगे या इसको इसलिए पहने थे अभी मतलब मिट्टी सारा लग जाता इसको उसमें डिग्गी रख लेंगे। हाँ तो बढ़िया कराओ ना यही करे तो जाने तो धंधा वाला कौन धंधा कराता तू। अरे मतलब जरूरी काम नहीं तू बात कराओ तो हम देखे कौन धंधा तू करा था। एक मिनट मिला देते हैं आपको करा। और स्विच ऑफ बता रहा अभी स्विच ऑफ है।
हैंड फ्री स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है, सब स्विच ऑफ है क्या? हाँ, जब मतलब, मैं कह रहा था उनसे बात कर रहा था तो मतलब लाइट नहीं आ रही हो ना वहाँ पर, पता अभी पानी बरस रहा है तो लाइट वाइट तो आ नहीं रही है। नहीं पता रहे तुम के क्या पानी नहीं बरसात है, मतलब उनके यहाँ लाइट नहीं दे तो जाए हम ना देवे ना ही। इतना मेहनत से छाता धो कपड़ा पहन है ऐसे लेके तो पहन नहीं अभी लखिया के गुंगिया के यही मैंने चलो फिर पटक के छाता हो। हम कभी नहीं लेके जाएंगे कपड़ा बेचने बता देता है। कपड़ा देने जाना है ना, बंद कर कैमरा किधर है? काहे बंद करी? बंद कर कैमरा, बंद कर, मैं नहीं देखती का कोई। बंद है ये। चलो हम जा रहे हैं भैया। बैठा तो बताइए कहाँ है तो हर रोज रोज पाल। तुम्हें भी काला जाम लाए रसगुल्ला लाएंगे हैं भाई लोग? मैं काला जाम नहीं खाए। रसगुल्ला उधर हो? नहीं हम उधर और रसगुल्ला ना खाए। चुटा वाले भी? नहीं जरूरत चुटा है वो ना। चुटा कचालू समोसा ले होगे? नहीं मैं नहीं खाएगा खुद बन गई।